दोस्तों, उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी आजकल सुर्खियों में है। बताया जा रहा है सौरभ जोशी को दिल्ली पुलिस की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में एक फ्रॉड हाइपॉक्स नामक ऐप का अपनी वीडियो में प्रमोशन किया, जो कि एक फ्रॉड ऐप थी। और सौरभ जोशी के साथ कई बड़े बड़े यूट्यूबरों ने इस ऐप का प्रमोशन किया, जिन्हें भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया। बताया जा रहा है कि यह ऐप एक इन्वेस्ट टाइप की ऐप थी, जिसमें कि पैसे लगाकर दुगने पैसे मिलते थे। बताया जा रहा है कि लकी ड्रॉ टाइप की ऐप थी, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने पैसे लगाए थे और अचानक से यह ऐप बंद हो गई। एंड उसके बाद जिन सब लोगों ने इस ऐप पे पैसे लगाए थे, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पे एक्शन लिया एंड सौरभ जोशी एंड काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों को लीगल नोटिस भेजा गया, क्योंकि इन सब यूट्यूबरों ने इस ऐप का अपनी वीडियो में प्रमोशन किया था, जिसके जरिए लोगों को इस ऐप के बारे में पता चला, जो कि ए फ्रॉड ऐप थी। एंड साथ ही साथ इस ऐप के जो मालिक थे, उसे भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले दिया एंड पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ इन सब यूट्यूबरों को भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे लीगल नोटिस भेजा गया है। और सौरभ जोशी पहली बार सुर्खियों में नहीं आया, इससे पहले भी सौरभ जोशी कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। उनपे काफ़ी सारे विवाद हो चुके हैं उत्तराखंड को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी ने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा कह दिया था, जो कि उत्तराखंड वालों को जरा भी पसंद नहीं आया। उसके बाद सौरभ जोशी के ऊपर फिर से यहाँ पे विवाद हुआ था। उत्तराखंड के काफी सारे लोग भड़क गए थे, क्योंकि सौरभ जोशी ने अपनी वीडियो में उत्तराखंड को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। एंड इस बार भी सौरभ जोशी काफी ज्यादा सुर्खियों में है।